सर्वोदय नमस्कार, माई सेल्फ मोहित राज, योर फिजिक्स टीचर। टुडे वी विल सॉल्व ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ लाइट। तो आज हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड। यह क्वेश्चन है, ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म। सबसे पहले पोजिशन फाइंड करना, मतलब इमेज पोजिशन, इमेज कहाँ फॉर्म होगा। देखिए यहाँ गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि निगेटिव में ऑलवेज लेते हैं 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, यह कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, या प्लस 20। हमें वी फाइंड करना था, हम लोग लेंस फार्मूला की यूज करेंगे, 1/v - 1/u = 1/f। 1/v वी फाइंड करना है, तो 1/u को हम दूसरे साइड ले जाते थे, 1/f ये निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया प्लस 1/u। एफ की जगह 20, यू की जगह -30। ओके, अब हम लोग 1/v 120 प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा 130। 20 या 30 कैल्शियम 60 है, यहाँ 3 यहाँ 2, तो 1/v 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/60। रिवर्स करेंगे तो v = 60 सेंटीमीटर आपका जाएगा। ये पॉजिटिव है, अगर इमेज डिस्टेंस आपका पॉजिटिव है लेंस में तो आपका रियल इमेज बनेगा, तो जो नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। अब हम लोग साइज देखेंगे, इमेज का साइज कैसा, तो मैग्नीफिकेशन v/u होता है = हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपका v 60 आया, 60 सेंटीमीटर, और u आपका -30 है, तो 60 - 30 हाइट ऑफ इमेज निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 दिया हुआ है, ये 2 टाइम में कटेगा, -2 और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज होगा -10। माइनस साइन दिखा रहे हैं उल्टा बना, इन्वर्टेड, तो साइज ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आप ट्राई करना। ओके, मैं और आगे अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।